डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क टाइम्स न्यूज, यूपी का जनपद महाराजगंज। हमारे देश भारत को वैसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है। उसी गांव में से एक गांव जो उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के विकास खंड निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा रौतार का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम आयुष पटेल है और वह लड़का निचलौल पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत है ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे देखने के बाद आप चकित रह जाएंगे और वाहवाही देने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि उसने क्या बनाया इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क टाइम न्यूज और हम हैं एसएन पांडे। कहते हैं कि हम इस समय खड़े हैं निचलौल पब्लिक स्कूल में। मित्रों, बताना चाहेंगे कि ये तराई की जो भूमि है, भारतवर्ष का भारत नेपाल की सीमा से सटे बसा यह तहसील निचलौल तहसील महाराजगंज जनपद का एक तहसील है और निचलौल तहसील के निचलौल नगर पंचायत के निचलौल पब्लिक स्कूल में हम इस समय खड़े हैं। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और प्रतिभाएं प्रकृति की देन होती हैं। यहाँ पे हम एक ऐसे बालक से आपको मिलवाना चाहेंगे जिस बालक ने राम मंदिर की लड़ाई जिसको लड़ने के लिए 500 साल से लड़ा गया, तब जाके सफलताएं मिली। वहां पे इस बच्चे ने राम मंदिर के नक्शे को हूबहू अपनी प्रतिभा से निखारा है और उस बच्चे के अंदर माँ सरस्वती ने जो प्रतिभाएं दी हैं, इस कला को मैं नमन करता हूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को और यहाँ की सरकार को और यहाँ के जिम्मेदार लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से जिस बच्चे से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उसके प्रतिभा को इतना निखारने का प्रयास किया जाए कि यह बच्चा अपने जनपद, अपने तहसील, अपने गांव, अपने नगर पंचायत के साथ साथ इस पूरे देश में इस क्षेत्र के नाम को रोशन कर सके। आइए, मैं मिलाना चाहूंगा, ये वही बच्चा है जिस बच्चे ने इस राम मंदिर के हूबहू नक्शे को अपने कारीगरी से उतारा है। आपका क्या नाम है बाबू? आयुष पटेल। क्या नाम है? आयुष पटेल। क्या नाम है आपके पिताजी का? क्या नाम है? किस विद्यालय में पढ़ते हैं? कितने साल से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? 7 साल। यानी स्टार्टिंग से ही आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये राम मंदिर का जो आपने ढांचा बनाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? टीचर ने किस तरह से आपको गाइड किया? असाइनमेंट देके। इस प्रतिमा, इस मंदिर के ढांचा को बनाने के बाद आपके अंदर क्या, मतलब क्या महसूस कर रहे हैं आप कि हमको आगे क्या करना चाहिए और बनाना चाहिए? आप अभी किस क्लास में हैं? क्लास 5th में। आगे आप पढ़ने के बाद क्या बनना चाहते हैं? आप पढ़ाई पूरा करने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये बच्चा कला में तो मजबूत है ही है, कला में तो ये प्रवीण है। इसके साथ इस बच्चे की दिली इच्छा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मैं अपनी शुभकामना देता हूं और जैसा कि यहाँ के अध्यापकों से, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये बच्चा अपने क्लास का टॉपर है। तो कला के साथ साथ एजुकेशन में भी अच्छी उपलब्धि हासिल करना, इसमें एक कुदरती सत्ता जिसको हम माँ सरस्वती कहते हैं, जिनके वरदान से ही सब कुछ हमारे पास वो ज्ञान आता है, उनका विशेष अनुकंपा है। इस पे हम एक थोड़ी सी हाईलाइट यहाँ के निचलौल पब्लिक स्कूल के माननीय प्रिंसिपल साहब से भी मैं 2 मिनट आपका रूबरू करवाऊंगा और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा इस बच्चे की स्थिति क्या है विद्यालय में, ये कैसे पढ़ाई में किस तरह का है और मतलब क्या इसका बिहेवियर है। नमस्कार सर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा इस बच्चे के विषय में कि इस बच्चे की स्थिति विद्यालय में किस तरह की है। इस बच्चे की स्थिति बहुत अच्छी है हमारे विद्यालय में और ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और ये असाइनमेंट जो इन्होंने जिस टीचर ने दिया उनका नाम है काजल चौधरी, इन्होंने मतलब पिपरा काजी के रहने वाले हैं, उन्होंने ये असाइनमेंट दिया और 22 जनवरी को ये राम मंदिर बन के तैयार हुआ और 22 जनवरी को ही मैंने जब राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ उसी दिन मैंने इसका प्रदर्शनी अपने स्कूल में लगवाया था और बच्चे को भी रिवार्ड देने के लिए मैंने बोला और बच्चे को रिवार्ड दिया भी और देना भी बाकी है अभी
अभी जो कुछ बच्चों ने राम मंदिर बनाया और एक बच्चे ने ताजमहल बनाया है सामने, और जैसे कि जितना अच्छा ताजमहल बनाया उससे अच्छा राम मंदिर का ढांचा बनाया, तो हुबहू जैसे ताजमहल तो बहुत हुबहू नहीं हो पाया कि राम मंदिर एकदम हुबहू हो पाया है। और इसमें लाइटिंग की व्यवस्था भी है, ये लाइट भी लग जाएगा, बच्चे ने बताया कि इसमें लाइट अभी लगाना बाकी है। तो बाकी की बात यह है कि हम लोगों ने असाइनमेंट राम मंदिर का इसलिए रखा कि राम मंदिर बहुत सालों से मतलब चल रहा था मुद्दा कि राम मंदिर यहाँ बनेगा क्या होगा, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सारे फैसले हम लोग का फैसला माना गया, तो राम मंदिर के बनने की खुशी में हम लोगों ने ये इनॉग्रेशन ये असाइनमेंट बच्चों को दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे कि अपने क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में आपका साथ और सहयोग मिले, ताकि यह बच्चा अपने जनपद का नाम पूरे देश में फैला सके। जय हिंद, जय भारत। डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।